लेकिन आज के ज़माने में जो नमाज सबसे मुश्किल हो गई है नींद की वजह से, वो है फजर की नमाज, क्योंकि रात में लेट सोने की आदत होती है, ख़ास तौर से वो लोग जो टीवी की गंदगियों में मुलविस रहते हैं। होता यह है कि इंसान के जिस्म का भी सिस्टम होता है ना, अब रात में भी लेट सोएंगे तो सुबह में कैसे आँख खुलेगी। अगर कोई शख्स जानता है कि किसी भी वजह से, हराम वजह से जागना तो जाहिर सी बात है मना है, लेकिन कोई हलाल वजह से जाग रहा है, बोले मैं काम के लिए जाग रहा था, मैं फलां चीज़ के लिए जाग रहा था और जाग रहा था इसलिए मेरी नमाज छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 12 बजे 1 बजे सोते हो तो फजर जाती है, अगर आपको पता चल गया। हाँ, नहीं जाती है तो अलग बात है, लेकिन अगर जाती है तो उलमा यहाँ तक बताते हैं, कहते हैं कि फिर रात में वो जागना जायज़ नहीं है आपके लिए। इसमें बात यह है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है और सुबह का वक्त खैर और बरकत का वक्त है, हमें तब जागना बेहतर है, उठना है और नमाज पढ़ना है। अस्सलातु खैरु मिन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। हकीकत यह है कि रात में अगर लेट सोने की वजह से नमाज जा रही है तो फिर लेट सोना जायज़ नहीं हमारे लिए। जैसे मिसाल के तौर पर कायदा है, मा ला युतिम्मुल वाजिब इल्ला बिही फहुवा वाजिब, वाजिब को पूरा करने के लिए जो चीज़ करना ज़रूरी है वो करना भी वाजिब हो जाता है। जैसे कोई कहे कि हज तो मुझ पर फ़र्ज़ हो गई है लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अब पासपोर्ट नहीं है तो बनाओ। अब हज फ़र्ज़ हो गई है, हज करने के लिए पासपोर्ट नेसेसरी हो गया है, तो पासपोर्ट बनाना भी फ़र्ज़ हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर रात में लेट सोने की वजह से फजर जा रही है, एक बार तजुर्बा हुआ, दो बार तजुर्बा हुआ, सही बुखारी की हदीस है, ला युल्दगुल मोमिन फी जुहरी वाहिदी मरतैन, मोमिन एक बिल में दो बार नहीं डसा जाता। एक बार डसेगा कि रात को लेट सोए तो फजर गई। आपको पता होगा ना, याद है ना कि हदीस में क्या अल्फाज आए, कि जैसे कि उसका सर कुचला जा रहा है, और जैसे नहीं हकीकत में कुचला जा रहा है, कुचला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि वो सर जो आराम से सो रहा है कल बरज़ख में कुचला जा रहा है वो। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, आपको मैं उभारता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक सिस्टम लाएं, चाहे वो फजर की नमाज हो, चाहे वो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, कुछ भी वजह से एक नमाज नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को दुनिया और आखिरत दोनों के ख़तरों में डालते हैं अगर हम नमाज मिस करते हैं तो।